मित्रों, ये सीमा पार से घुसपैठ होती है। रोजगारी जो मेरे आदिवासी युवा को मिलनी चाहिए वो घुसपैठिया ले जाते हैं। सस्ता अनाज जो आदिवासी भाई को मिलना चाहिए वो भी घुसिए पेटे ले जाते हैं। मुझे बताओ, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? एक बार भाजपा सरकार बना दो, आदमी तो क्या परिंदा भी पैर न मार पाए, इस प्रकार की व्यवस्था हम यहां पर करेंगे। मित्रों, मुझे बताओ, ये अम्फाम आता है, बुलबुल आता है, मोदी जी आपको 10,000 करोड़ रुपया भेजा, मिला है आपको? मिला है? जोर से बोलो, मिला है? कहां गया? कहां गया? ये तृणमूल के गुंडे कटमनी में अम्फाम का पैसा खा गए हैं। आप चिंता न करिए, भाजपा सरकार आते ही ये सारे भ्रष्टाचार करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार ला दीजिए, हर एक किसान के बैंक अकाउंट में एक साथ 18,000 रुपया ट्रांसफर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली। हर एक गरीब को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाएगी। और फिर से हर किसान को हर साल 10,000 रुपया भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाएगी। लघु, सीमांत और भूमिहीन कृषकों का, बेटे और बेटियां दोनों का पढ़ने का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाएगी। गरीब क्षेत्रों में ये जंगल महल, ये झारग्राम, ऐसे क्षेत्रों में 5 रुपये में अच्छा खाना देने की व्यवस्था भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। और आपका जो चावल और गेहूं है जो मोदी जी भेजते हैं, ये टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं, वो सीधे सीधा आपके अंगूठे के निशान से आपके पास पहुंचे, ऐसी व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।